I'm in the ghetto. Ra-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta. Ah! You see, now that's not really funny, but this could be. I'm in the ghetto. Ra-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta. Ah! पर चल गया होगा कि थोड़े बहुत ऑफेंसिव चीजें हो सकती हैं, लाइक ऑफेंसिव नॉट इन माय इंटेंट, बट ऑब्वियसली आप लोगों को ऑफेंड होना होगा तो हो जाओगे। मेरी लास्ट वीडियो देख के 3 सब्सक्राइबर चले गए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक डिस्क्लेमर अभी प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बट वो डिस्क्लेमर ताकि बोरिंग ना हो, आई वांट टू पुट सम म्यूजिक इनटू इट, सो गिव मी अ बीट। Take a side beat, don't make it some joking. Keep it offensive, down in undies. Take it back, seat, take it back to the fannies. With the crazy singer, you so canny. What facts you pooping in my coma? Switch like a baby with the CZ angle from my skin. Deliberate as a small mosquito. That was good enough. Okay, now since the disclaimer's out of the way, play the intro. The amalgamation before the fluctuation and ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He's right. तो इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखते हुए मैंने सोचा था कि क्यों ना सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम रीलर की बात करूं, बट जब ये वीडियो लिख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पंगा ले लिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉमेडियन साक्षी शिवदासनी। अ ब्रेक इन अ रिलेशनशिप इज द डमेस्ट आइडिया एवर। ओके यू गाइस, आई डोंट केयर व्हाट एनीवन सेज, इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड माय मैन सजेस्ट वी गो ऑन अ ब्रेक ड्यूरिंग अ फाइट, यू बेस्ट बिलीव द ओनली ब्रेक आई एम गोइंग टू गिव हिम इज हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। ऐसे कैसे बोलते थे, लड़के का सर फोड़ देगी ऑनलाइन, कैंसिल करो इसको। अबे भाई ये बस एक जोक था। अच्छा जोक था, अरे हमको तो पता ही नहीं चला, इतना बेकार जोक था, हमें लगा को फोन पर रख दिया। सो दैट्स साक्षीज कंटेंट इन अ नटशेल। उसके जोक्स में सेटअप है बट कोई पंच लाइन नहीं है, एंड बट उसका कंटेंट काफी रिलेटेबल है, एंड एज वी नो 2020 के में कॉमेडी करने के लिए दैट्स ऑल यू नीड टू बी इज बी रिलेटेबल। अगर बाकी लोग आपसे रिलेट नहीं कर सकते तो आप फनी नहीं है, नो मैटर हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर जोक्स, यू आर नॉट फनी, यू आर ओनली फनी If you are relatable। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं एक सिंगल आदमी हूं और मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। I hope you can relate with this. So every time I'm mad at my boyfriend, he sends me flowers, okay? And I think that's so thoughtful because I won't have to buy a separate set of flowers for his funeral when I kill him for not fixing the problem and sending flowers instead. Like, how is that supposed to help? ये तू हर वीडियो में अपने बॉयफ्रेंड को मारने पीटने की बात क्यों करती है? कौन तू, एम्बर हर्ड है क्या? Call me crazy, but if you've had that roadside वाला पानी पूरी where you don't know where the fuck the pani is coming from and you're like alive and well and living and breathing, I don't think coronavirus is going to do anything to you. क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस वैक्सीन बना रहा था मैं। पागल हो गया क्या? पानी पूरी खाने चल, कुछ नहीं होगा उसके बाद। अगर आप साक्षी की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी बहुत सारी वीडियोस लाइक की गई थी एक लड़की से, जिस लड़की का नाम है वृद्धि पातवा, एंड शी इज आवर नेक्स्ट इंस्टाग्राम कॉमेडियन। मैं तो हूं पागल, ये कहूं हर पल। नाउ इसका कंटेंट साक्षी के कंटेंट से काफी सिमिलर है, एंड बाय काफी सिमिलर आई मीन एग्जैक्टली द सेम। Send this video to someone but don't tell them which one applies. The person who sent you this hates your mom and dad. The person who sent you this wants to date you. The person who sent you this has a crush on your boyfriend slash girlfriend and wants you to break up with them. Okay, so ye kisi ko bhejo aur batao mat ki kaun sa wala apply hota hai. Number 1, jisne aapko ye video bheja hai usko bawasir hai. Number 2, jisne aapko ye video bheja hai wo murghi hai. अगर आपको भी ये लास्ट वाला गाना अच्छा लगा तो आपको ये गाना गूगल पे मिल जाएगा, जस्ट टाइप मॉर्निंग कॉक एंड यू विल फाइंड इट। नाउ इसके वीडियोस पे काफी इरिटेटेड 20 साल के लड़के कमेंट करते हैं, जैसे ये, वाह भाई आज मैं सुबह से हग नहीं पा रहा था, टट्टी जाम थी, मैंने कई बार कोशिश की पर नहीं हुई, लेकिन आपने जब ये जोक मारा मैं इतना हंसा कि मेरी टट्टी चट्टी में ही निकल गई। मैं अभी पब्लिक में हूँ और कोई बाथरूम नहीं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान हो चुका है। आप हर सुबह ऐसे ही मजाक कर दिया कीजिए तो मेरा पेट साफ रहेगा।
It's really funny to me how some, well, most of the Indian boys get grossed out by periods when they are the same boys who want to become doctors. It's really funny to me कि कुछ लड़कियों को टॉयलेट में टट्टी देख के उल्टी आती है जबकि वो लोग खुद इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं. And I honestly I thought कि ये लास्ट लड़की है जिसके बारे में शायद बात करूँगा मैं. But हमारे पास एक और स्पीशीज ऑफ एक सॉरी हमारे पास एक और अनटैलेंटेड स्पीशीज मौजूद हैं वो लोग जो लिप सिंक को फनी स्लैश कॉमेडी समझते हैं. प्लीज वेलकम आवर फाइनल कॉमेडियन शीतल. शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? हाँ. नहीं नहीं अदिति शीतल है, मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है. निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है. चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे. Shut the fuck up. कोई मिस शीतल को बताएगा कि हैशटैग फनी लिखने से कंटेंट फनी नहीं होता. यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट. टू मेक अ जोक फनी यू नीड टू सेट अप एन एक्सपेक्टेशन एंड डू समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. लाइक दैट वाजंट फनी बट दिस कुड बी. Now we move on to our final comedian for the video, Avshesh Kumar. Yes, main to hu pagal. क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम रील से बहुत वीडियो डाले और टिकटॉक पे भी. सरप्राइजिंगली टिकटॉक पे मेरे इंस्टाग्राम से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं एक हफ्ते में. मे बी आई एम अ टिकटॉकर, सो क्यों ना थोड़ा मेरे अनफनी कंटेंट पे एक नजर डाली जाए. आई एम सॉरी बट मैंने मिस कर दिया कि इसे फनी कह रहा. तो मैंने एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड प्रो एंड एप्पल मैकबुक प्रो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एप्पल फूड. हाँ बोस रिके, इतना फ्लेक्स करा और कर लेना फ्लेक्स. इतना फ्लेक्स कभी जिम में कर लियो पतला हो जाएगा गेंडे. ओके नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन व्हाई एवरीथिंग आई सेड इन द वीडियो वाज अ जोक एंड इज नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल. बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम. सो लेट्स स्टार्ट with talking about Sakshi Sivadasani. मैंने उसका इंस्टाग्राम चेक किया बहुत पहले से. बिफोर शी गॉट पॉपुलर शी वॉज डूइंग द सेम काइंड ऑफ ह्यूमर. इट्स जस्ट वॉट शी डज, इट्स जस्ट हु शी इज एज अ पर्सन. और हम लोग जब अपने दोस्त के साथ होते हैं तो हम लोग भी बहुत चुतियापा करते हैं, उस टाइम पर हमें कोई जज नहीं करता. एंड वो एग्जैक्टली वही कर रही थी इंस्टाग्राम पर वेन शी गॉट पॉपुलर. बींग पॉपुलर इज नॉट इन योर हैंड्स, इट्स जस्ट लक. यू बिकम पॉपुलर बाई लक. And she was just doing what she does with her friends and that's how she got popular. There is no good or bad content, honestly. I mean, there is bad content. If you're doing lip syncing, Miss Sheetal, if you're watching the video, your content is just, it's bad. There's no arguments with it. But with Sakshi, I can stand by her side and I can say that she's doing fine. Wo popular hai kyunki usko dekhne wale log hain. मैं कोई नहीं होता उसकी वीडियो पे एक्चुअली कमेंट करने वाला क्योंकि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हैं. क्लियरली मेरे और साक्षी में से साक्षी इज डूइंग अ बेटर जॉब. बट लाइक आई सेड, आई जस्ट मेड फन ऑफ हर कंटेंट, डजंट मीन आई हैव अ प्रॉब्लम विद हर कंटेंट. दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. सेकेंडली सेकेंड कॉमेडियन ऑन अ लिस्ट वृद्धि. आई जस्ट हैव वन आर्ग्यूमेंट सो दैट यू डोंट हरास हर और डोंट जज हर. शी इज 16. अगर मैं सोचूं कि मैं जब 16 साल का था तब मैं क्या कर रहा था, it's much more embarrassing than doing Instagram reels, to be honest. So I think Vridhi is still doing better than most of us when we were 16. So we can't judge her. Hopefully, 2 साल बाद वो भी अपना content देख के बोलेगी कि भैंचोरे क्या बना रही थी. And the last comedian, Sheetal. मेरे पास कोई arguments नहीं उसको defend करने के लिए. Lip syncing is not humor. And उसने तो अपने videos में hashtag funny डाला है. मतलब she thinks it's comedy. That is not comedy. Sheetal, you're doing a bad job. You're not creative. You're not. I'm sorry. आप मुंबई नहीं आ सकते. Unless आप अनाथ हैं. मैं तो हूँ पागल. ये कहूँ हर पल.
मैं तो हूँ पागल।